नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इनिशिएटिंग टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर्स या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर्स का इस्तेमाल किया ही होगा, भले वो आपका फोन क्यों ना हो या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम पर आपने अपने फिंगरप्रिंट स्कैन क्यों ना कराए हो। तो चलिए जानते हैं कैसे ये काम करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और फिंगरप्रिंट सेंसर्स। मैं हूं हिमांशु गुप्ता, आप देख रहे हैं इनिशिएटिंग टेक। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग ये जानते हैं कि iPhone 5s में फिंगरप्रिंट सेंसर्स का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था, लेकिन कई हद तक ये बात सच नहीं, क्योंकि इससे पहले तोशीबा कंपनी ने अपने मॉडल तोशीबा G500 और तोशीबा G900 में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि iPhone 5s ने उसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो आइए जानते हैं कैसे ये काम करते हैं और कैसे। पहले हम अपना टॉपिक उठाएंगे ऑप्टिकल स्कैनर, देन कैपेसिटिव स्कैनर्स, देन अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स। तो पहला हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल स्कैनर्स। देखिए, ऑप्टिकल स्कैनर्स ये होते हैं कि जब आप अपने थंबप्रिंट उस पर रखते हैं तो एक लाइट आती है, जिससे कि आपको लगता है, आपको पता चलता है कि आपका थंब जो है आप स्कैन हो चुका है और हमारी सिक्योरिटी की जो हमने डाल दी है। तो ये कैसे काम करता है, देखिए आप अपने फिंगर्स को ध्यान से देखिए, उसमें कुछ जैसे लाइनें जो है उठी हुई हैं, ठीक है। तो लाइनें उठी हैं और उसके अंदर आप इसे एक तरीके से नॉर्मली वैली कह सकते हैं, जो अंदर की लाइन है और ऊपर जो रिजिड्स हैं पहाड़ टाइप्स के, माउंटेन टाइप के। तो ऐसा क्या होता है, जो ऑप्टिकल स्कैनर्स होता है वो आपके फिंगरप्रिंट का इमेज सा लेता है। तो जब आप फिंगरप्रिंट रखते हैं तो ये तो आप बात जानते हैं कि वहां पे काफी अंधेरा होता है, तो स्कैनर क्या करता है, एक लाइट डालता है उस पर। तो जैसे ही वो लाइट डालता है तो जो आपकी रिजिड एरियाज होती है ऊपर की तरफ, वो उस पर लाइट पड़ती है और जो वैलीज होती है वहां पे वो एरिया डार्क हो जाता है। तो ऐसे ही आपका एक थंबप्रिंट का जो है एक पैटर्न तैयार हो जाता है उसके पास। तो जैसे ही वो पैटर्न तैयार होता है और आपकी सिक्योरिटी जो है ओपन हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसे पता चल जाता है कि थंबप्रिंट बिल्कुल राइट है। देखिए, आपके थंबप्रिंट में जो लाइंस बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक होल बनाती हैं वहां पर, या फिर कई नई डिजाइन बनाती हैं, कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं पे स्ट्रेट जा रही है, या फिर कहीं पे राउंड फॉर्म में है, तो कई सारे पैटर्न बनते हैं। तो ऐसा है कि हर इंसान के पास अपना यूनिक थंबप्रिंट या फिर यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और दुनिया में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इमेजेस। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या करता है कि आपके थंब का ये इमेज बिल्कुल सही तरीके से सेव कर लेता है, और जैसे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर ये आपके सेव कर लेता है और जब आप थंबप्रिंट को वहां रखते हैं और दोनों की इमेज मैच हो जाती है तो आपका सिक्योरिटी की ओपन हो जाता है। तो ऐसा भी है, लेकिन इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं कि ऑप्टिकल स्कैनर इमेज लेता है तो एक अच्छी आपके अगर थंब की इमेज किसी के पास है और वो स्कैनर पे रखता है तो ऑब्वियसली उस सिक्योरिटी की को वो फूल कर सकता है और सिक्योरिटी की ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप पूरी तरह कह सकते हैं कि आपकी फाइल्स या फिर आपकी जो भी सिक्योरिटी वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या करें, तो इसी मतलब चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे नया जो स्कैनर है वो लाया गया, कैपेसिटिव स्कैनर। दोस्तों, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्कैनर कैपेसिटिव स्कैनर है। आज के आप देखेंगे जितने भी फ्लैगशिप फोन्स हैं, सैमसंग के S8 Plus है या फिर LG का G6 है या फिर V20 Plus है, और भी कई सारे मॉडल्स हैं, कई बहुत सारे चीपेस्ट मॉडल्स भी हैं, बजट रेंज फोन्स में भी फिर कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का यूज किया जा रहा है। तो ये कैसे काम करते हैं, तो देखिए, जब आपने अपने फोन में देखा होगा कि वो जो एक गोल सा है या फिर कई फोन्स में रेक्टेंगल टाइप का भी होता है, तो उसके ऊपर आप जब अपनी फिंगर रखते हैं तो वो एक वाइब्रेशन सा होता है और आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए, आपकी जो वो गोल सी प्लेट आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें एक चार्ज प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट आप उस पर रखते हैं तो उस प्लेट के नीचे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वो आपकी जो रिजिड एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया आपको ऑप्टिकल स्कैनर्स में, तो वो रिजिड एरिया से जो चार्ज है उसमें चेंजेस आता है, और जो वैली वाला एरिया है उसमें एयर गैप की वजह से डिफरेंस होता है चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे जो है ये एक इमेज से काम नहीं कर रहा है कि डार्क एरियाज लाइट एरियाज, बट ये काम कर रहा है चार्ज पे। तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट रखते हैं तो एक उसके पास एक इमेज तैयार हो जाती है चार्ज की वजह से कि हाँ ये इसका है। तो जैसे कि सेम पैटर्न्स आप देखते हैं ऑप्टिकल स्कैनर्स में कि उसके पास अपना एक डिजाइन होता है गैप्स का और इंटरसेक्शन लाइंस का, स्ट्रेट लाइंस का, सेम उसी तरीके से ये भी अपना एक पैटर्न बनाता है, लेकिन और एफिशिएंट वे में और अच्छा और बेहतर आप कह सकते हो सिक्योरिटी के लिए ये होता है, क्योंकि आप इस स्कैनर को बिल्कुल भी फूल नहीं बना सकते हो, बिकॉज इसमें आप एक इमेज नहीं दिखा सकते हो, आपको उसी इंसान का फिंगरप्रिंट लगाना होता है। वो अलग बात है कि यार
अगर आपको करना है कि आप यार उसकी उंगली काट के अगर आप उसका फोन ले लेते हो फिर उसको तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि इसे फूल करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए डिफरेंस क्या है ऑप्टिकल स्कैनर्स और कैपेसिटिव स्कैनर्स में, कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक कैमरा होता है ना कि उसमें जितने ज्यादा मेगापिक्सल का होगा वो उतनी अच्छी क्लियर फोटोज लेगा, तो वैसे ही ऑप्टिकल स्कैनर्स में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे डायोड होते हैं, तो जितने अच्छे तरीके से वो डायोड जितने ज्यादा डायोड होंगे जितने अच्छे तरीके से वो काम करेंगे तो उस ऑप्टिकल स्कैनर्स की एफिशिएंसी भी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही डिटेल और उतने ही मतलब भरोसे के साथ वो फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगा और सिक्योरिटी बनाए रखेगा। और उसी तरीके से कैपेसिटिव स्कैनर्स में क्या है कि अगर उस प्लेट के नीचे जितने ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे तो उतनी एक्यूरेसी के साथ वो काम करेगा, उसी डिटेल के साथ उस फिंगरप्रिंट को वो सेव करेगा और आपकी सिक्योरिटी को बनाए रखेगा। तो अगर हाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास फोन है उसमें कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगा हुआ है तो हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से सेफ है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि यार अगर आपके फिंगरप्रिंट में मतलब फिंगर पे पसीना आ रहा है या फिर ऑयल है या फिर डस्ट है तो ऐसे में क्या करता है कभी कभी जो एयर गैप्स है उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है तो आपको बहुत मतलब दिक्कत हो सकती है इसे अनलॉक करने में, बार बार आपको फिंगर को पोंछना पड़ेगा या फिर अपने स्कैनर को साफ करना पड़ेगा, तो ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। तो अब आते हैं अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स पे। दोस्तों अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स की बात करें तो ये अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करना चाहती है। इस पे सैमसंग, एलजी और आईफोन तो काम कर ही रहे, लेकिन आईफोन ने ये कहा है कि 2018 में आने वाले आईफोन में भी टच आईडी नहीं होगी। मतलब सुनने में तो काफी अजीब लगता है कि हमें उसी फेस आईडी से अपना आईफोन एक्स लॉन्च आईफोन 10 को अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो ये अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स कैसे काम करते हैं, तो जो अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स है ये दो चीजों पे काम करेंगे, आपका अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट रखेंगे तो एक अल्ट्रासोनिक पल्सेस जो होंगी वो फेंकी जाएंगी आपके फिंगरप्रिंट की तरफ फोन के नीचे से, तो कुछ जो होंगी अब्सॉर्ब हो जाएंगी और कुछ हो जाएगी बाउंस बैक, डिपेंड करता है कि आपके फिंगरप्रिंट में किस तरीके से बिट्स ऑफ वैलिड है, क्रॉस है, इंटरसेक्ट है या फिर लाइन है, सीधी है, राउंड है, तो उस हिसाब से वो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये अब तक का सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपका एक 3D इमेज बना लेगा फिंगरप्रिंट का अपने अंदर, और एक तरीके से कह सकते हैं ये अब तक का मतलब कह सकते सबसे बेहतर होगा सिक्योरिटी के लिए, और ये सबसे ज्यादा डिटेल जितनी डिटेल से आप कह सकते हैं ऑप्टिकल और कैपेसिटिव भी सेव नहीं कर पाते आपके फिंगरप्रिंट इमेज को, वो उससे भी ज्यादा डिटेल में सेव करेगा विद 3D इमेज, तो ये कह सकते हैं ये अब तक का बेस्ट होगा। तो इस पे भी अभी क्वालकॉम सेंस आईडी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और आप कह सकते हो ली मैक्स प्रो ने भी कहा था कि ये टेक्नोलॉजी वो लाएंगे, और वीवो ने भी अभी एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये क्वालकॉम की सेंस आईडी टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। तो दोस्तों ये इसका हम इंतजार कर सकते हैं कि ये मार्केट में कब आएगी, बिकॉज आज के मार्केट में जो बेजललेस फोन्स आ रहे हैं, जैसे कि आप अगर मैं एग्जांपल लूँ सैमसंग S8 प्लस का, तो उसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो जस्ट कैमरे के बगल में दिया हुआ है पीछे की तरफ, तो जब आप उसे ऑन करते हैं या अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो आपका फिंगर जो है कभी कभी कैमरे पे चला जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी सी होती है उसे, तो उसी चीज को हटाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बेजललेस फोन्स मतलब एक अच्छा लुक देने के लिए फोन मैन्युफैक्चरर्स क्या चाहते हैं कि जो उनका फिंगरप्रिंट वाली टेक्नोलॉजी या टच आईडी टेक्नोलॉजी है वो स्क्रीन के अंदर हो ताकि पता भी ना चले और फोन भी पूरी तरह से सिक्योर्ड हो। तो हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कब आएगी और ये हमें कब देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि सैमसंग S9 या फिर S10 में हमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिले। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और फिंगरप्रिंट सेंसर्स कैसे काम करते हैं और आपके फोन कैसे अनलॉक होते हैं। मुझे आपके साथ ये शेयर करने में बहुत मजा आया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, आसपास सफाई रखें, बड़ों की इज्जत करें। जय हिंद।